So, finally फाइनलीस्पीसीज डे ऑफ जन्माष्टमी has come. So when we are discussing how Krishna appeared in the womb of Devaki, Devaki became so effulgent. Uh, जब Krishna देवकी के घर में प्रकट हो गए तो देवकी पूरा एकदम प्रज्वलित होने लगी कम्स को भी आश्चर्य होने लगा मेरी बहन है क्या इतनी तो नहीं चमकती थी कभी कम्स के हृदय में भी बदलाव आने लगा कम्स बोलता है कि कैसे मैं एक स्त्री को मार सकता हूँ जो भी गर्भवती है समझ रहे तो कम्स अभी बोल रहा है कि मैं उसको नहीं मारूंगा, कैसे मार सकता हूँ तो एक स्त्री है मेरे बारे में क्या सोचेंगे लोग तो इस प्रकार से कम्स अभी मारना का प्लान बंद कर देता है हु? इस प्रकार से अभी थोड़ी देर पहले कम सोच रहा था जब रथ के ऊपर जा रहे थे शादी के समय तो फिर वो उस, उस समय नहीं सोच रहा था कि स्त्री है उस समय वो मारने का प्लान में था लेकिन कृष्ण के आगमन से पूरा उसके अंदर क्या आ गया बदलाव आ गया उसके बाद <laughs> वो लोग जेल में थे जब तो फिर ब्रह्मा इत्यादि सभी देवी देवता जब देखते हैं कि गर्भ में भगवान श्री कृष्ण आ गए तो वहाँ की स्तुति करते हैं भगवान की तो वो सुंदर स्तुति है ब्रह्मा भव भव, भव मीन्स शिव जी का नाम है भव ब्रह्मा भवच्च तत्र मुनि भी नारद आदि भी और साथ में कौन थे नारद मुनि देवई सानुचरही साक, साकम और संग में बहुत सारे देवी देवता भी थे इंद्र इत्यादि और सब लोग आके भगवान को प्रणाम करने लगे जब भगवान गर्भ में ही थे आप बताइए कोई बच्चा गर्भ में होगा तो कोई आके प्रार्थना करता है कि हमारी रक्षा करें लेकिन भगवान का ऐसा पराक्रम है कि सभी देवी देवता वहाँ पर आके भगवान गर्भ में ही या तभी से प्रार्थना करने लगे क्या प्रार्थना करें सत्यं ब्रतं सत्य परंติ सत्यं सत्यस्य योनिम् निहितं च सत्ते सत्यस्य सत्यं अमितस्तत् नेत्रं स्वाम शरणं प्रपन्ना ये भगवान आप ही परम सत्य हैं आप ही इस दुनिया में सत्य है बाकी सब कुछ खत्म हो जाता है आज हमारा जीवन कुछ साल पहले कुछ था कभी भी इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है लेकिन आप कह नित्य है आप सत्य है तो एक वक्त बताए थे कल बात हो रही थी फोन में कि कैसे उनके एक रिलेटिव का बिजनेस था परफ्यूम का तो उन्होंने जस्ट करोणा के पहले जनवरी में पंद्रह लाख का परफ्यूम मंगाया था कि अच्छा है, सेल होगा एकाएक के आ गया करुणा आ गया और बोलते ये सब माल पूरे ज़्यादा दिन नहीं चलते उसका एक्सपायरी डेट उतना ज़्यादा पाउडर पाउडर जो भी मंगाए थे जनवरी मंगाए करुणा आ गया तो बेच नहीं पाए अभी चार महीने में सब बर्बाद हो गया उनका पंद्रह लाख का क्या हो गया नुकसान हो गया तो बहुत तो अच्छे घर स्थिति में थे का एक क्या हो गए तो बोल रहे देखो अब हमसे नहीं होगा अब हम जो हैं कुछ वो पालन कर रहे थे अपने माँ बाप का तो बोले हम अब नहीं कर पाएंगे तुम करो हमसे नहीं होगा तो इस प्रकार से देखिए दुनिया में कुछ भी सत्य नहीं है कभी भी आदमी तो लेकिन भगवान को बोल रहे हैं भगवान आप सत्य व्रत है आप किसी को बोले उस आदमी ने व्रत दिया था दूसरे भक्त को कि आप प्रभु जी बढ़िया सेवा कीजिए भगवान की हम ख्याल रख लेंगे माँ बाप लेकिन एकाएक को बोलता है अब तुम भी देखो हमसे नहीं हम नहीं कुछ करेंगे जब होगा तो हम देखेंगे अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते एकाएक उसने क्या कर दिया हाथ खड़ा कर दिया जबकि व्रत दिया था उसने ठीक है मैं आपको पंद्रह लाख आप मुझे दीजिए मैं आपके माँ बाप की ख्याल बढ़िया से रखूंगा लेकिन एकाएक क्या हो गया सत्यव्रतम उसने व्रत के ऊपर क्या कर दिया हरि बोल हमसे नहीं होगा हरे कृष्णा लेकिन भगवान अगर आपको वर दे दिए मैं आपकी रक्षा करूंगा समझ तो रहे तो भगवान ने अर्जुन को व्रत दिया था तमें तो भक्ति प्रणस्थ स्थिति गीता में की गीता चालू होने पहले युद्ध चालू होने पर तुम्हारा नुकसान नहीं होगा मैं हूँ तो कितनी बड़ी बड़ी शक्तियां भी आई लेकिन भगवान ने क्या किया अर्जुन को हमेशा बचा लिया भगवान ने व्रत लिया था अर्जुन की रक्षा मैं करके रहूँगा इस प्रकार से हम देखते हैं भगवान का जो मुख से वाणी निकली हुई है भगवान की कृष्ण की वाणी है कि जो भक्त अनन्या चिंत यंतों माम ये जना परिपास थे जो उनका चिंतन करेंगे सच्चे भाव से हृदय से उनकी सभी आवश्यकता वो पूरी कर देंगे प्रोपा जी बोलते हैं ये उन्नीस सौ सत्तर पचहत्तर में लिखा गया है सर सत छिहत्तर सत्तर में लिखा होगा और पोपा जस्ट इस जगत से जाने वाले हैं तो वो बस छिहत्तर सत्तर में लिखे होंगे पोपाद ने बोला हमारी संस्था में दस हजार भक्त लोग हैं पोपाज बोलते हैं कि वो लोग कहीं पर भी कुछ करने नहीं जाते केवल भगवान का प्रचार करते हैं और वो लोग सबको बढ़िया से बढ़िया सब कुछ मिल रहा है हुँ? तो इसीलिए पोपा जी बोलते हैं कि भगवान रक्षा करते हैं सत्य व्रतम श्रद्धा होनी चाहिए भगवान में रक्षा जरूर करेंगे क्योंकि तो वो सत्य परम है त्रि सत्य है इसीलिए देवता लोग बोल रहे हैं सत्यात्मकम ताम शरणम प्रपन्ना है भगवान आप जैसे परम सत्य को हम क्या कर रहे हैं प्रणाम कर रहे हैं हम आपको शरण ले रहे हैं प्रपन्ना कृपा करके आप हमारी रक्षा Easy. इस प्रकार से वो सत्यात्म गरणम भगवान बोले मैं तो बचवा हूं अभी समझ रहे मेरा हाइट देख रहा है तो तुम्हें देख भी नहीं पा रहा है वो लोग अलक्षित रूप से आए थे छुपे हुए थे हम्म तो भगवान बोले तुम तो मेरे को देख नहीं पा रहे प्रार्थना कर रहा है मैं कहाँ से रक्षा करूँ मैं अपना रक्षा तो कर नहीं पा रहा आई एम इन दूम मैं क्या करूंगा अभी बोले भगवान ये सब आपका लीला है क्या है तो फिर वो पूरा श्लोक गाने लगते हैं कि भगवान ये भौतिक जगत जो है इतना सुंदर श्लोक है एका यू ये भौतिक जगत एक पेड़ के समान है तो देवताओं का स्वाभाविक प्रश्न था भगवान का देवताओं के प्रति कि आप लोग इतनी बड़ी बड़ी स्तुति कर रहे हैं मेरी लेकिन मैं क्या करूं क्यों मेरी स्तुति करें तो मैंने कुछ किया भी नहीं बोले भगवान आप सत्य व्रत है आप सत्य परम है आप त्रि सत्य है आप सत्यापरम आप सब कुछ है भगवान बोले तो लेकिन कैसे बोले भगवान दिखाई नहीं दे रहे आप लेकिन जो भौतिक जगत है ना एक वृक्ष के समान है आचार्य दो तरह से इस श्लोक को समझाते हैं भौतिक जगत को एक वृक्ष बता रहे और एक शरीर को एक वृक्ष बता रहे तो बोले भौतिक जगत किसके समान है एक बड़े वृक्ष के समान है तो वृक्ष तो आपको दिखाई दे रहा है बड़ा बड़ा समझ रहे पत्थर दिखाई दे रहे बिल्डिंग दिखाई दे रही इमारतें समुद्र समझ रहे हैं अम्फान दिखाई दे रहा है ये दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है भूमि खम लेकिन पेड़ के नीचे क्या होती है जड़ें होती हैं वो किसी को दिखाई तो बोल रहे भगवान आप जो है ये भौतिक जगत एक महान पेड़ के समान है एक सनो, एक ये एक पेड़ के दो फल हैं इस दुनिया में इस पेड़ के कितने फल हैं याद रखिएगा दस चीज बताए जाएंगे एक पेड़ है उसके कितने फल हैं दो फल है द्विफल क्या क्या है सुख और दुख कभी सुखी कभी गम समझ रहे हैं कभी सुख रहता है कभी समझ रहे कभी आपका कुछ दुख आ जाता है समझ रहे एक ही घर में एक बार एक बच्चे का उसके बेटे का विवाह हो रहा तब तक तो उसका नाना जी मर गया तो उसको छुपा के रखना पड़ा था कि विवाह हो जाए समझ रहे हल्ला हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगी तो जब लड़का चला गया बारात तो मतलब शादी हो गई तो फिर देखिए एक साथ क्या होता सुख दुख है <laughs> कि नहीं तो दो फल क्या हो गए और दुख और त्रिमूल है इसके कितने जड़ हैं तीन मूल है क्या क्या सत्व रजो और तमह सत्व गुण रजोगुण और इसके द्वारा लोग शक्तियां संचारित करते हैं तमोगुण के लोग तमोगुण की प्रभाव स्वभाव को संचारित करते हैं रजोगुण के लोग रजोगुण स्वभाव पानी वही रहता है लेकिन गुणों के अनुसार आदमी का प्रभाव होता है सतो गुण सतो व्यवहार करते हैं तो तीन मूल क्या हो गए सत्व रज और तमह और इसके चार रस हैं एक पेड़ के दो फल तीन मूल चार चतुर रस है। क्या क्या चार रस है है धर्म अर्थ काम और मोक्ष तो जो धर्म के रस का आस्वादन करते हैं सतोगुण का आस्वादन करते हैं वो लोग स्वर्ग जाते हैं जो रजोगुण में केवल अर्थ की कमाना चाहते हैं वो लोग इस भौतिक जगत में इस भूमंडल में रहते हैं और जो पाप करते तमोगुण में उस रस का आस्वादन करते हैं काम वासना का केवल तो कहा चले जाते हैं जब आप तपस्या करते हैं तो आप ऊपर जाते हैं जब आप भोग करते तो आप नीचे जाते हैं। समझ रहे हैं? लेकिन आप भगवान की प्रसन्नता के द्वारा भगवान भोग लाए कुछ खा रहे तो वो आपको नीचे नहीं करेगा और चौथा क्या रस है मोक्ष जब आप भगवान की भक्ति करते तो आप सबसे मुक्त हो जाते हैं तो चार रस क्या हो गए धर्म अर्थ काम और मोक्ष इस पेड़ की वर्णन हो रहा है देखिए पेड़ के दो फल हो गए तीन मूल हो गए चार पेड़ में रस होता है ना और इसके पांच क्या है पंचविध पांच प्रकार के ज्ञानेन्द्रिय हैं पंचविधि से ज्ञान अर्जित आंखों से हम ज्ञान अर्जित करते ये मेरा भाई है ये मेरी बहन है ये मेरे माता जी है मेरे प्रभु जी है ये मेरे दादाजी है ये मेरे चाचा का मामा का लड़का का ऐसे बहुत सारे रिश्ते <laughs> आंखों से पता चलता है ना है कि नहीं आंख फिर नाक सुनते हैं फिर मुंह ऐसे हम बहुत प्रवचन में सुंदर बता रहे थे देखिए भगवान ने कितनी सुंदर सृष्टि की है आँख नाक और मुंह तीनों एक साथ आपको कुछ खाना होता है तो आप देखते हैं ठीक लग रहा है कि नहीं चढ़ावा तो नहीं है सुनते हैं फिर ठीक है है कि नहीं मान लीजिए कुछ गाजा आया किसी किसी घर से अस्तूफवा तो से हम लोग देखेंगे कौन लाया कितना दिन का है ठीक है हाँ ऑफर है जी तो आंखों से देखते हैं नाक से सूंघते हैं एक साथ तीनों होता है आँख से देख भी लिए नाक से भी और में, में चलाया था। समझ रहे लेकिन मान लीजिए ऐसे होता कि आपकी आँख यहां पर होती आप के लिए फिर पेट में आपका नाक होता तो आप सूंघने के लिए यहां ले जाते और मान लीजिए पहाड़ पर आपका क्या होता मुंह होता तो फिर ऐसे हो सोचिए कैसा हालत हो जाती आप आप भगवान ने तीनों को एक साथ दे दिया ऐसे कीजिए हरी बोल महाप्रसाद की जाए समझ रहे देखिए भगवान की कितनी अद्भुत सृष्टि है तो पांच प्रकार के क्या है ज्ञान इंद्रिय हैं आँखों से ज्ञान अर्जित करते हैं नाक से मुख से हुँ? कानों से त्वचा से गर्म है कि ठंडा है इस प्रकार से हम पांच प्रकार के क्या है विधि है ज्ञान प्राप्त करने के क्या क्या हो गए पहला नहीं नहीं वो तो ठीक है पहले क्या पेड़ एक था दो फल तीन, तीन जड़ चार दस और पाँच विधि पर ज्ञान प्रकार करने पांच विध और सड़ आत्मा आत्मा मतलब स्वभाव इस पेड़ के छह स्वभाव है या शरीर के छह स्वभाव है क्या तो अलग अलग आचार्य दो चीज बताते हैं एक जगह बताते कैसे छह जो स्वभाव है इसके वो है कि जन्म लेता है शरीर उसके बाद बड़ा होता है नहीं? बहुत सारी चीज़ों को वर्धति जन्मति वर्धति अस्थि कुछ दिन रहता है नहीं? तो उसके बाद बाई प्रोडक्ट्स पैदा करता है बच्चे पैदा करता है या नाखून सब भी पैदा होना क्या है ये भी एक शरीर की से सृष्टि हो रही है चीज़ों की नाख निकल नाखून निकलता है कफ निकलता है सब भी क्या है शरीर से सृष्टि हो रही है और उसके बाद धीरे धीरे करके विलुप्त है, धीरे धीरे वो नक्शन घटता है और फिर खत्म हो जाता है तो ये छह विकार बताएं कि इसको बोलते हैं सड़ विकार शरीर के छह विकार हैं और कुछ आचार्य बताते हैं कि इस शरीर के ये पेड़ के इस दुनिया में और छह विकार है क्या बोले मन के विकार है शोक और मोह आदमी कभी शोक करता है कभी मोह क्या मोह है कि मैं शरीर हूँ और मेरे शरीर से जो रिलेटेड लोग हैं वो क्या है मेरे हैं इसको बोलते हैं मोह तो हम हमेशा आदमी इस मोह में फंसा पड़ा इस दुनिया में कोई भी एक व्यक्ति नहीं जो इस मोह से ऊपर अल्लेसु भगवान का शुद्ध भव्य बन गया नहीं तो इस दुनिया में कोई भी इस मोह से ऊपर नहीं कम शरीर नहीं सब लोग इस मोह में फंसे पड़े तो हम लोग सब भी फंसे पड़े सर आत्मा और तो दो हो गए शोक मोह और क्या भूख प्यास भूख प्यास लगती आज आपको लगेगी <laughs> जन्माष्टमी के दिन समझ रहे तो भूख और प्यास समझ रहे तो वास्तविकता है आपको थोड़े दिन में अनुभूति होगी समझ रहे हैं बहुत प्यास जब लगती तो आदमी पागल होने लगता है समझ रहे ट्रेन वेन में आदमी चाहता है कभी कभी समझ रहे पानी नहीं मिलता तो स्टेशन जब आता है बहुत देर बाद एकदम सब लोग नल में एकदम भीड़ लगा देते हैं समझ रहे जान ले लेते ले चल ले 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 पानी 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 समझ रहे इतनी शरीर सूख जाता है लोग गर्मी में गरम चाय पी लेते कुछ चाहिए वो समझ रहे मतलब तो सूखा लग रहा है बॉडी इस प्रकार से तो ये हो गए शोक मोह भूख प्यास और जरा मृत्यु बुढ़ापा आता है कोई नहीं बोल सकता बुढ़ापा नहीं आएगा प्रकृति तो चुपचाप आपको बुढ़ा बना देगी आप कितना प्रवचन दे ले कुछ भी कर ले एक दिन शरीर आपको बुढ़ा बना दिया जाएगा और सप्त त्वग साथ क्या है त्वचा है शरीर में जो पेड़ में छाल होते हैं ना लेयर्स कवरिंग्स के देखिए आप एक को निकालते दूसरे से छिलके होते हैं वैसे ही सात छिलके हैं वैसे शरीर में भी क्या है सात छिलके हैं क्या है त्वचा है रक्त मांस मज्जा मेध अस्थि वीर ऐसे करके क्या है स्किन का लेयर है उसका ब्लड है हाँ मांस है फैट मैरो मोस्ट सेटलिस्ट वीर्य बस ये सात लेयर्स हैं शरीर की आत्मा के ऊपर इस शरीर तो सात क्या हो गए सत त्वग सात तरह की त्वचाएं सात तरह के चर्म सात तरह के लेयर्स ऑफ कवरिंग अष्ट वितपो और इसके आठ शाखाएं हैं पेड़ के ये क्या है आठ एलिमेंट्स भूमि अपो नलवायो खम और मन बुद्धि और झनकार और नवाक्षो पेड़ में छेदे होते हैं कभी कभी होल देखा आपने वैसे शरीर में भी क्या है नौ, नौ। होल है दो आंखें दो नाक नाक के दो छेद्र मुख कान के साथ तो यहीं पर होगा दो आपको एनस एन रेक्टम तो एक हो क्या हो गए नौ छिद्र हो गए और दस प्रकार की यहाँ पर क्या बोलते हैं वायु है दस छड्डी समझ रहे हैं? प्राण वायु अपान वायु समान वायु उदाण वायु ऐसे कितनी वायु है इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये शरीर का वर्णन आ रहा है भागवत में देवता लोग बता रहे कितना साइंटिफिक क्या क्या हो गया दस पहला पेड़।, पेड़ उसके दो क्या है फल, फल है उसके तीन क्या है जड़े हैं और चार क्या है उसके रस है दो फल क्या थे सुख और दुख तीन क्या थे सतोगुण तमोगुण चार रस क्या थे धर्म अर्थ काम पाँच जो विधि थे वो क्या थे नॉलेज ज्ञानेन्द्रिय चर्म ऐसे करके उसके बाद आपको छह क्या थे विकार नौ? जन्म विधि ऐसे करके और शोक मोह जन्म जरा मृत्यु और भूख प्यास और सात क्या है पेड़ के त्वचाएं हैं जो कि हमारे शरीर में सात लेयर्स हैं है और अष्ट क्या है अष्ट एलिमेंट ब्रांचेस पेड़ के जो कि एलिमेंट के समान है और नौ क्या है घड्डे छिद्र हमारे शरीर में भी नौ छिद्र और दस क्या है वायु तो कितने हो गए ये शरीर का वर्णन आ रहा है कहां पर यार आपको पेड़ के बारे में ये मेटल वर्ल्ड ऐसा है इस प्रकार से इतना सुंदर आ रहा है वर्णन और उसको बताने के बाद बता रहे हैं कि शरीर में द्व्यु खगह तो क्या बोल रहे हैं वो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम अरी राम, अरी राम तो इस शरीर में क्या है दू खगह दीखा का मतलब दो पक्षी।, पक्षी है पेड़ में दो पक्षी बताए गए एक क्या है आत्मा और दूसरा है परमात्मा तो बोल रहे हैं कि आदि वृक्ष है ये दुनिया का सबसे बड़ा आदि वृक्ष यही है इसमें दो क्या है पक्षी है एक आत्मा और एक परमात्मा तो बोल रहे भगवान ये दोनों में अंतर है कौन प्रार्थना कर रहे हैं देवता तो भगवान एक जो है वो केवल भोग करता रहता है और दूसरा क्या है अनासक्त है कथोपनिषद में भी आता है एक पक्षी सुख दुख में लगा हुआ है दूसरा पक्षी जो है एकदम आत्मा में आनंद आत्मा तो इस प्रकार से जब यह पक्षी उस पक्षी की ओर मुड़ता है और उसकी शरण लेता है तो फिर यह भी आनंदित हो जाता है तो इसीलिए बोले भगवान हम भी आपकी शरण लेने क्योंकि कंस बड़ा ही उत्पात कर रहा है कंस में इतनी शक्ति थी इतनी शक्ति थी दस हज़ार हाथी का बल भी था उसके अंदर कोलिया पीठ जो एक बहुत शक्तिशाली हाथी था उसमें हजारों हाथी का बल था एक बार वो जरासम उसको लेके जा रहा था तो वो घूम घुस गया बल युद्ध के क्षेत्र में कम्स के और कम्स उसको ऐसे सूढ़ से लेके फेंका जराशम के सामने गिरा राशन बोला बाप अरे बाप ये हाथी को देख के बड़े बड़े वीर कांपते हैं उसने तुरंत अपनी बच्चियों की शादी उससे कर दी समझ रहे रिश्ता बना लो इसको क्या बना लो दामाद बना लो। समझ रहे अस्थि प्राप्ति दोनों की शादी तो कम ने सबको हराया था पूतना को बकासुर को अगासुर को सब लोग इसके दास बन गए जाता था बोलता था बहुत विनम्र भाव से बोलता था चलिए हम लोग थोड़ा युद्ध करते हैं अगर आप जीत जाएंगे मैं तो आपका नौकर बन जाऊंगा अगर आप जीत मैं जीत गया तो मैं नौकर बन जाइएगा सब लोग देखते थे लगने में छोटा लगता था लेकिन फिर जब वो चालू होता था और मुस्टिक बड़ा बड़ा इतना पहलवान को इससे मार के पटक देता था वो समझ रहे ऐसे करके सबको हरा दिया था तो सब लोग उसके क्या बन गए थे फिर सब लोग के नौकर मित्र बन गए समझ रहे संभासुर जितने भी असुर थे उस एरिया के सबको उसने कंट्रोल कर लिया और देवताओं पर अत्याचार कर देवताओं की इंद्र को जाके खदेड़ दिया जाए इंद्र अपना हिरावत पे आया उसको उसके तो मारू के फाड़ के दम तो फेंक दिया एकदम तब भाग गया बाप रे बाप क्या करे तो इसीलिए देव, देवता लोग किसकी शरण लेने आए हैं तो प्रार्थना कर रहे थे वो लो लोग बहुत फिर भगवान फिर भूमि देवी पे बहुत कष्ट होने लगे तो फिर भगवान को ब्रह्मा इत्यादि ने प्रार्थना किया तो भगवान अभी के घर में आए फिर से स्तुति करें भगवान भूल मत जाइएगा बहुत कष्ट में हम लोग थोड़ा तो ध्यान कृपा दृष्टि बना के रखिए समझ रहे हैं थोड़ा तो जल्दी प्रकट हो जाइए फास्ट फॉरवर्ड कीजिए फास्ट टाइम तो इस प्रकार से देवता लोग क्या बोल रहे हैं भगवान शरणम सत्यात्मकम तो आम शरणम प्रपन्न हम आपकी शरण लेते हैं भगवान कृपा करके आप हमारी रक्षा कीजिए तो इस प्रकार से देवता लोग ब्रह्मा इत्यादि भगवान की शरण ले रहे हैं तो क्योंकि वो बोल रहे भगवान इस भौतिक देव आदि वृक्ष इसमें सब लोग फंसे पड़े हैं ये भव सागर से निकलना क्या है असंभव है पता कर पाना कि आदमी फंसा पड़ा है इस पेड़ में वो भी नहीं पता चलेगा उसे इतना कॉम्प्लिकेटेड ये पेड़ सुख दुख इतना इसमें आदमी को पता भी नहीं चलेगा कि वो फंसा पड़ा है तीन गुण जो है उसको बांध के रखे उसे पता भी नहीं चलेगा कि वो फंसा पड़ा है तो बोले भगवान आप इसी से हमें निकाल सकते हैं तो बोले भगवान उसके लिए आपने क्या किया अपनी कथाएं दी हैं समझ तो रहे हैं तो अगले श्लोक में ब्रह्मा जी लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान विभर सी रूपान अवोध आत्मा आप अलग, अलग अलग रूपों में आते हैं भक्तों तो की रक्षा करने के लिए छेमा योकस चराचर से फिर वो बोलते भगवान त्वी अंबुजाखिल सत्व धामी समाधि बोले भगवान अपने अब अप सुंदर सुंदर लीलाएं की जिसमें आदमी अपनी चेतना को आविष्ट कर सकता है और जब आदमी अपनी चेतना को भगवान में आविष्ट करेगा तब क्या होगा वो सब भौतिक जगत से बाहर निकल जाएगा कैसे तोते तो न महत्ते न आपका जो चरण कमल की कोई आश्रय लेगा वो एक महान नाव के समान है बड़ी नाव के समान पदम तो उसके लिए नाव क्या हो जाएंगी एक गाय के बछड़े के खुर के समान हो जाएगा आराम से पार कर जाए <स्थाथ> तो महात्मा लोग क्या करते हैं आपके चरण कमलों के रूपी नाव का आश्रय लेके आराम से अनुभव सागर को पार्टी इतना छोटा सा जैसे आप इतना बड़ा सागर है लेकिन जब बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा सागर क्या बन जाता है छोटा सा आपकी नाव तो सागर से बड़ी हो जाती है समझ रहे आपने शरण ली थी नाव की वो क्या हो जाती है सागर इतना बड़ा था नाव पे आप बैठे बैठे जैसे भगवान की शरण ली देखा कि बोले किधर आ गए हम तो दूसरी जगह पे आ गए नाव तो इतनी बड़ी हो गई कि सागर कितना हो गया तो आप उधर ही पहुंच गए समझ रहे तो इसलिए महात्मा लोग क्या करे उधर पहुंच जाते भगवत धाम समझ रहे और नाव इधर नाव को ले जा पार्किंग करना पड़ता है उधर नाव इधर किधर ही रह जाती भाजी आपको पार करना था हजार एक किलोमीटर दूर नदी बह रही है नाव पे आप खड़े नाविक लेके जाएगा लेकिन मान लीजिए भगवान का नाम लिए और नदी गायब हो गई इतनी छोटी सी नदी हो गई तो आप तो उधर अपने आप पहुंच गए अब उधर पहुंच गए तो नाव तो इधर रह गई नाव तो हिली नहीं तो बोलते महात्मा लोग आपके चरण कमल के आश्रय लेते भगवान तो नाव क्या हो जाती है मतलब सागर छोटा हो जाता है तो नाव को ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती इसलिए वो लोग उधर पहुंच जाते और नाव यही छोड़ देते हैं ताकि दूसरे लोग आए तो वो लोग भी पार वो नाव क्या छोड़ते हैं वो एक परंपरा बना देते हैं महात्मा लोग क्या बना देते हैं एक परंपरा बना देते हैं परंपरा के द्वारा वो हमारा क्या कर देते हैं उसमें कुछ आदेश देते हैं तो भगवत धाम चले गए हम लोग के लिए क्या दे दिए एक परंपरा आदेश दे दिया कि सब लोग क्या करें सोला माला करें नियम दे दिए रूप गोस्वामी ने रूप गोस्वामी ने एक नियम ये भी दिया है कि जन्माष्टमी जन्म तिथि आदि महोत्सव जन्म तिथि के महोत्सव को बढ़िया से बनाना है तो इन दिनों की बहुत ही महात्मा बताया गया है इन दिनों में हरि का आश्रय लेने का क्योंकि तो इस दिन हरी की बहुत कृपा मिलती है समझ तो रहे जो सिंह लोग होते राजनाथ स्वामी महाराज भी जब जा रहे थे तो जन्माष्टमी के दिन ही वो मथुरा स्टेशन पहुंचे और वो वृंदावन भी चले गए और भक्त बन गए भगवान की कृपा तो इन तिथियों में भक्ति का बहुत ही महत्व होता है समझ रहे हैं इन तिथियों का बहुत भाव तो इस प्रकार से हमें याद है कि शायद हमारे आनंद गिरधारी पू भी जन्माष्टमी की तिथि शायद वो शायद उत्कर्षा नहीं कर पाए थे हाँ लेकिन वो सेकेंड ईयर में आए और जन्माष्टमी हम लोग सब जाए थे मंदिर में उत्सव के लिए तो भी आ गए उन्होंने बहुत माला उला किया उस दिन और उसके बाद वॉइस में आ गए समझ रहे ऐसा कुछ मुझे याद नहीं लेकिन मेरे को याद ऐसा कि तिथियों का बहुत प्रभाव पड़ता है तो इन तिथि में अगर हम भगवान का आश्रय ले भगवान कृपा करके मुझे मदद करें मैं आपका भक्त बनना चाहता हूँ मुझे बहुत से पार करें मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ देखें आप देखेंगे भगवान आपको क्या देंगे बहुत ही मदद करेंगे सब देवता लोग बता रहे हैं कि भगवान आपके भक्त लोग जब जाते हैं तो क्या करते हैं नाव को इधर ही परंपरा के आदेश क्या है एक नाव के समान है इसके द्वारा हम लोग यहाँ पर आसानी से भगवान में समाधि आविष्ट चेतसा जब आपकी चेतना भगवान में समाधिष्ट हो जाएगी तो आप आराम से भगवत धाम चले जाएंगे इसलिए से हमें भी क्या करना चाहिए आज के दिनों में ऐसे तो रोज ही हम लोग समाधि भगवान का आश्रय लेने का प्रयास करते हैं लेकिन आज के दिन ज़्यादा आश्रय लेने का प्रयास करें इन तीनों का बहुत महत्व इन दिनों में हम लोग भगवान की शरण ले सकते हैं प्रार्थना कर सकते हैं दिन रात जितना संभव भगवान को एकदम तो एक एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण है ऐसा करने से हम देखेंगे हमारी भक्ति बहुत ज्यादा प्रगतिशाली सा, होगी तो इन तिथियों का हमें लाभ उठाना चाहिए तो आज भगवान कृष्ण जन्म लेने वाले हैं तो हम भी अगर अच्छी चेतना से हम लोग तो नहीं समझ सकते भगवान को लेकिन देवता लोग समझ सकते देवता लोग प्रार्थना करके हमें बता रहे हम तो चक्षु से कुछ नहीं समझ पाएंगे हमें तो ले गे चपकली घूम रही है समझ रहे भगवान कैसे हैं हमारे भौतिक मन में ऐसा विचार आ सकते लेकिन देवता लोग के पास आध्यात्मिक दृष्टि वो लोग बता रहे कि कृष्ण साधारण व्यक्ति वो लोग प्रार्थना करें बड़े बड़े सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी सचिव सची, सची मैया घर में जब महा तो ब्रह्मा जी वहाँ पर महापुर आए थे तो वहां पर वो लोग बंगाली में प्रार्थनावन दास्लोक बताए संस्कृत में बोले थे कैसे बोल रहे थे मुझे पता नहीं लेकिन वो लोग बोल रहे क्या बोल रहे वो लोग कि भगवान तो सुंदर सुंदर वहां पर श्लोक गाए हैं कि कैसे बाबा जी बोल रहे हैं सुंदर श्लोक है पाद तोले खंडे पृथ्वीरो दृष्टि मात्र दस अदी को हो या सुनिर्मोल बोल रहे हैं। पाद तोले खंडे पृथ्वीर पित पृथ्वी के जितने भी कष्ट होते हैं आपके में सरम वही सेम श्लोक जो यहाँ बोल रहे संस्कृत में वही बंगाली में यहाँ पर पाद तले कोई अगर चरण कमल के आपके आश्रय लेता है तो उसके सब कष्ट इनफैक्ट सब अमंगल पूरी पृथ्वी के जे तुम्हार पाद में नित्य ध्यान को रे जे तुम्हार पाद पद्म नित्य ध्यान प्रभावी अमंगल हरे क्या हम लोग का भगवान का आश्रय लेना है भगवान के पाद कमल का क्या है ध्यान करना है हुँ? तो जो भी भगवान के पाद कमल का ध्यान करेगा नित्य ध्यान करे ता सवार प्रभाव अमंगल हरे भगवान सब उसका मंगल इसलिए आप अगर अच्छे से जब करेंगे आप देखेंगे ऐसा अनुभव है अच्छे से जब करने से आप देखेंगे सब कुछ भगवान देख लेते दिन और अगर ये आज की तिथि बहुत अच्छा जब